मैं प्रकाश सारे प्रशिक्षुओं का, सारे शिक्षार्थियों का, सारे शिक्षकगण का नमस्कार करता हूं दोस्तों, है ना। उनका बहुत बड़ा स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। आइए और सारे क्लासेस फॉलो करिए। आज आपके सामने एक बिग अपडेट है जो हमको पहले बता देना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, हम आपको बताते हैं। यह नोटिफिकेशन दोस्तों सीटेट का है, जो कुछ दिन पहले जारी होने की बात हुई थी। जैसे एग्ज़ाम कब होगा, कुछ बच्चियों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, रिजल्ट कब आएगा और फॉर्म डेट कब मतलब निकलेगा, जाहिर सी बात है रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो यह हमने जब रिसर्च किया तो पाया न्यूज़ इंडिया पे, हमने देखा हिंदुस्तान टाइम पर देखा और न्यूज़ इंडिया 18 यह और या फिर जनसत्ता पर हमने देखा। यह न्यूज़ मीडिया है आप पर, जब हमने सर्च किया उस पर तो पाया कि बहुत सारे जो डाटा है लगभग सबका सेम है ना। तो जो आपका यह नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखेंगे, जब हमने इस पर सर्च किया तो हमने पाया इस पर साफ साफ लिखा था कि जो सीटेट का जुलाई 2021 का नोटिफिकेशन है वह 20 जून को जारी होने वाला था इन लोग के द्वारा, लेकिन अभी नहीं आया है और यह अब ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अभी नहीं है या फिर कभी भी आ सकता है। इन पे मतलब ये सारी चीज़ें इनके नोटिफिकेशन में लिखा था। यह जो न्यूज़ मीडिया वाले हैं, जो आपके पेपर न्यूज़पेपर हैं, सब में हमने देखा, ऑनलाइन देखा, जनसत्ता में भी देखा, तो इस तरह लिखा था कि जारी हो जाना चाहिए था 20 जून तक, लेकिन जारी नहीं हुआ कुछ कारणवश। पेंडेमिक कोविड-19 देख रहे हैं आप, बस इसी कारणवश। और हो सकता है दोस्तों, एक बार जब आ गया है, अनाउंसमेंट हो गया है, तो यह आपको पता है आ जाने वाला है और अगला 20 जुलाई तक आपकी नोटिफिकेशन जारी होने की बात भी उन्होंने बोला था कि अगर अब नहीं जारी होगा तो अगले जो 20 जुलाई है, आने वाला जो 20 जुलाई है, उसके पहले पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा सीटेट का, इन्होंने ये बोला था। लेकिन सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, होगा लेकिन अभी नहीं है फिलहाल में, जब हमने चेक किया। अगर जारी होता है आपका नोटिफिकेशन तो 10 से 15 दिन के अंदर फॉर्म जो फिलअप होना स्टार्ट होंगे दोस्तों, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 10 से 15 दिन के अंदर। यानी कि 20 से बात करें तो लगभग आपका 10 से 15 दिन, अगर 20 से पहले आता है तब भी 10 से 15 दिन में फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिलअप होना। इसके बाद यानी उसके बाद अगर आपके एग्ज़ाम होने के चांस देखे जाए, अगर यह सारा सिचुएशन सही रहा पेंडेमिक, तो सितंबर या फिर अक्टूबर में होगा एग्ज़ाम आपका, निश्चित है, 100% है सितंबर या फिर अक्टूबर में हो जाएगा, अगला साल नहीं जाएगा, आप इतना ध्यान रखिएगा, सितंबर अक्टूबर में आपका हो जाएगा एग्ज़ाम। यानी कि नवंबर दिसंबर से पहले पहले आपका एग्ज़ाम हो जाना है और रिजल्ट भी आपका जाहिर सी बात है, तो इस साल में अगर रिजल्ट की बात करें तो नवंबर दिसंबर में रिजल्ट आ गया, तो इस पूरे माप से, इस पूरे अनुमान से अगर देखा जाए तो सीटेट का केवल इस साल में एक ही बार होगा, हर साल दो बार होता है, लेकिन इस साल भी आपका सीटेट एक ही बार होगा, जो आपके ये सूचना बता रही है ना। अगर बात करें दोस्तों, सर इस साल एक बार होगा, मतलब इसके पहले साल वाला जो पेंडेमिक लगा था उसमें भी एक ही बार हुआ था? जी हाँ, उसमें जो एग्ज़ाम होने वाला था ना 4 जुलाई को होने वाला था, लेकिन 4 जुलाई के बजाय टलता गया, पोस्टपॉन्ड हो गया, अब हुआ 31 जनवरी को दोस्तों। कब हुआ? 31 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ टलने के बाद। एक बात और करें दोस्तों, ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सीटेट तो अब लाइफ टाइम हो गया है ना, तो एक बार जोर लगा दीजिए ना, बेहतरीन तरीके से सारे क्लास आपको दिए जा रहे हैं, सब आप बिल्कुल जोर लगाइए और बेहतरीन तरीके से मैथ हो गया, CDP हो गया, EVS हो गया, और आपके सारे क्लास जो प्राइमरी लेवल के चल रहे हैं उसको देखिए, और अपना जो GK GS है, और थोड़ा सा सुबह करंट अफेयर भी पढ़िए अच्छे से, 6 बजे आता है इसी चैनल पर, तो आराम से सारी चीज़ें देखिए दोस्तों, बेहतरीन तरीके से एक ही बार में क्वालिफाई करिए कि बार बार आपको सीटेट न देना पड़े। अब मान लीजिए एक बार आप सीटेट क्वालिफाई हो गए, फिर से पेंडेमिक वगैरह कोई भी डिजीज हो सकता है, कौन जानता है, इसको भी कोई थोड़े जानता था कि आ जाएगा, आ गया मान लीजिए। अब अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो जाते हैं दोस्तों, एज अ सर्टिफिकेट बेस पर अगर बात करें, है ना, अगर सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बहुत सारे वैकेंसी निकलते हैं, जैसे KVS है, केंद्रीय विद्यालय का निकलता है, तो उसमें आप अप्लाई करिए, बहुत सारे हैं, जैसे PGT वाले हैं, तो अगर PGT वालों का एक संशय भी होता है, जैसे अगर वह कहते हैं सर क्या अगर हमारा कह लीजिए कि अपियरिंग है तो क्या हम सीटेट का फॉर्म डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, अगर आप PGT, अगर आप मान लीजिए PGT वाले हैं, आपका अपियरिंग चल रहा है दोस्तों, तो आराम से आप डाल सकते हैं, बशर्ते
आप अगर तैयारी किए रहेंगे तभी तो निकाल पाएंगे, नहीं डालने से क्या हुआ। तो दोस्तों यह सारी चीज़ें हमने न्यूज 18 पर बहुत जगह सर्च करने के बाद पाया, तो आपके सामने दिया। अगर आप इससे संतुष्ट हुए होंगे दोस्तों तो सारी चीज़ें आप शेयर करिए और कमर कस लीजिए, है ना, कि आप शेयर करिए। आपको पता हो गया एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा और फॉर्म का डेट कब होगा। दोस्तों इतनी बातें थी जो हमें आपको बताना था, तो हमने बताया। अब आपका काम है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और विद्यार्थियों के पास पहुँचाना। दोस्तों नमस्कार, शिक्षकों आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।